Good morning, dear students. Hope you all are fit and fine at home. Today we discuss about measurement. Topic measurement. और measurement means कैसे मापने हमने, ठीक है? और measuring length and height. Length और height को कैसे measure करना है? We can measure the length of objects. हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे, उसकी लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं? बाय यूजिंग आर बॉडी पार्ट्स. ओके, हम अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू भी मेजरमेंट कर सकते हैं. देखिए, लाइक एज डिजिट, जब हम फिंगर्स डिजिट काउंट करते हैं फिंगर्स के ऊपर, ऐसे करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो डिजिट्स काउंट करते हैं, तो हम बॉडी पार्ट यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट है हैंड स्पैन. हैंड स्पैन मीन्स जैसे अब मैंने इस बोर्ड को मेजर करना है, तो मैं कैसे मेजर करूंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 10 and half, 11 पूरे नहीं हुए हमारे, तो ये हैंड स्पैन. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है क्यूबिट. क्यूबिट मींस जब हम इस हाफ आर्म से मेजरमेंट करते हैं, ओके, इसको क्यूबिट बोलते हैं. जैसे ये मैंने ले लिया ऐसे 1, ओके, फिर 2, ऐसे, इसको क्यूबिट बोलते हैं जब हम इससे मेजरमेंट करते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है फुट स्पैन. फुट स्पैन में कैसे करते हैं हम कि पैरों से हम मेजरमेंट करते हैं. कई बार आप घर में खेलते हो ना, वो जो आपके फ्लोर बने होते हैं, फर्श बना होता है, तो आप उसमें खेलते जाते हो, वो बॉक्सेस से बने होते हैं, आप उसमें काउंट करते हो 1 2 3 4. ये फुट स्पैन है बेटा, ये देखो 1 foot, 2nd foot. अब ये बॉक्स 2 and half foot का है. ओके, ये हाफ फुट आया मेरा, हाफ नेक्स्ट बॉक्स में चला गया. तो अब पेस कैसे करने हैं, ये देखो 1, ऐसे 2 कदम जिसको हम बोलते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. देखिए, अभी मैंने आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया था कि कैसे उनसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं. अब हम थिंग से भी कर सकते हैं. जैसे ये मेरे पास नोटबुक है, ओके, ये नोटबुक है और इस नोटबुक से मैं बोर्ड मेजर करूंगी. 1, ओके, देन 2, फिर 3, ओके, 4, नेक्स्ट 5 6, ओके, 7 एंड देन 8 8, एंड ये हम यहाँ पे फिंगर्स भी यूज कर सकते हैं मेजरमेंट के. ओके, तो हम नोटबुक से भी कर सकते हैं. अब इसी नोटबुक को मैं पेंसिल से भी मेजर कर सकती हूँ. ये देखिए 1, ओके, 1 पेंसिल जो मेरे पास है, और ये हाफ ऊपर नहीं आई, तो 1 and half, नियर अबाउट, आप जिसको 2 and half बोल सकते हो, 1 and half, सॉरी 1 and half आप बोल सकते हो, कि इसकी जो लेंथ है वो 1 and half है और इसकी ब्रेथ 1 and with 2 or 3 fingers. ओके, तो लेंथ और हाइट हम ऐसे मेजर कर सकते हैं. ये लेंथ और ब्रेथ थी, सॉरी, ये लेंथ और ये ब्रेथ. ओके, ये लेंथ है इसकी. तो अब देखिए, अब जैसे नोटबुक को भी हम, मैंने आपको बुक को भी हम मेजर कर सकते हैं. ये देखिए, ये बुक है, तो उसको हम पेंसिल से, शॉर्पनर से, इरेजर से, फिंगर से, ऐसे फिंगर से भी, मैं जैसे अब फिंगर्स यूज कर रही हूं, ये देखो 1 hand span एंड देन 4 fingers. ओके, तो हम इन सब चीजों से मेजरमेंट कर सकते हैं. अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द बुक इज अबाउट डैश पेंसिल्स लॉन्ग. तो आप वो जो आपको बुक में क्वेश्चन दे रखा है उसमें 5 pencils है. ओके, तो हम लिखेंगे द बुक इज अबाउट 5 pencils long. ओके,
और अब पेंसिल के नीचे, ये पेंसिल पेंसिल है, तो इसको मेजर करने के लिए बने हुए पिंस। ओ वन पिन, ओके टू थ्री पिंस, फोर पिंस, ये फाइव। तो इस पेंसिल की मेजरमेंट कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव पिंस। ओके द लेंथ ऑफ, आप ये भी लिख सकते हो द पेंसिल इज अबाउट, द पेंसिल इज अबाउट फाइव पिंस लॉन्ग। थैंक यू। ऐसे ही अपने सारे एक्सरसाइज